हाय, दिस इज अर्षित एंड वेलकम टू 80 क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि SCR के टर्न ऑन करने के तरीके। सो बाय रेजिंग द टेम्परेचर, बाय फोकसिंग लाइट, बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज, बाय अप्लाइंग वोल्टेज एट DVDT, बाय इंक्रीजिंग द गेट करंट। तो फर्स्ट क्या है, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, दैट इज थर्मल ट्रिगरिंग। इफ द टेम्परेचर ऑफ द थायरिस्टर इंक्रीजेस, देर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, देर इज इंक्रीज इन लीकेज करंट, द थायरिस्टर मे टर्न ऑन। इसका मतलब क्या है, देखो अभी जो पी है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होल्स होते हैं और एन है इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे और इसके बीच में ना एक लीकेज करंट फॉर्म होगा, जिसके ऐसे जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, सो द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ब्रेक ओवर वोल्टेज, राइट। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा मतलब क्या होगा कि SCR ट्रिगर हो रहा है, वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में जाए। बाय फोकसिंग लाइट, अभी लाइट फोकस करेंगे तो क्या आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी और उसका जो इंटेंसिटी है लाइट का वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, फोटोन स्ट्राइक होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होल, जो होल पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर इंक्रीज होगा, उसके से क्या आएगा, वापस लीकेज करंट इंक्रीज होगा और थायरिस्टर में टर्न ऑन। ओके, तो SCR टर्न ऑन हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल यूज हुआ है, ये LASCR बोलते हैं इसको, लाइट एक्टिवेशन थायरिस्टर। अभी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, अभी क्या करेंगे हम, जो ये एनोड से करंट दे रहे हैं, हम क्या करेंगे इसको इंक्रीज करते जाएंगे। सो अभी इसमें क्या होगा, अगर गेट ऑन भी कनेक्टेड भी नहीं रहेगा, ऑन भी नहीं रहेगा तो भी वो चलेगा। तो क्या लिखा है, व्हेन वी इंक्रीज द फॉरवर्ड पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड द लीकेज करंट इंक्रीजेस। ओके, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, इट ओनली ट्रिगर्स एट VBO, दैट इज वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, इट कैन टेक प्लेस इवन व्हेन द गेट इज ओपन, राइट। एज वी इंक्रीज द वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस एज सून एज इट रीचेस द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फाइन, द मिडल जंक्शन ब्रेक्स द करंट इंक्रीजेस, इट इज डिस्ट्रक्टिव। मिडल जंक्शन बोलना मतलब क्या है, इसमें देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये से जंक्शन है। तो क्या है, ये हो गया J1, ये हो गया J2, ये हो गया J3, ऐसे हमने जंक्शन लिए। तो इधर क्या होता है, ये जो J1 और J3 रहता है, ये कभी भी है ना फॉरवर्ड बायस रहता है, और J2 रहेगा ये रिवर्स बायस रहता है। तो क्या होगा, इसकी वजह से इधर है ना वो पास नहीं होता है, ड्यू टू फॉरवर्ड करंट क्या होगा, ये फोर्स करेगा कि ये भी इधर से भी ये पास हो एंड हमें करंट SCR के थ्रू मिलेगा और SCR ऑन हो जाएगा। अभी DVDT ट्रिगरिंग, अभी DVDT ट्रिगरिंग में क्या होगा, जैसे हमने फॉरवर्ड डिस्ट्रक्टिव रहेगा कि ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या करते हैं हम गेट करंट से थोड़ा सा हम करंट पास करते हैं। अभी ये मैंने इसे बताया J1 और J3 क्या है, J1 और J3 है फॉरवर्ड बायस और J2 हो गया रिवर्स बायस। अभी रिवर्स बायस है तो हम क्या करेंगे, अगर इधर से थोड़ा हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो क्या हो जाएगा कि इधर के जो होल्स है, या फिर इधर P में पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, राइट। तो देखो P होता है और ये नेगेटिव होता है, तो क्या होगा कि जैसे हमने इधर पॉजिटिव चार्ज देंगे हम इधर, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोप कर लेगा एंड ये हमें एक पूरा पाथ मिल जाएगा। तो एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, द जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस, जैसे मैंने बताया, J2 इज रिवर्स बायस, अ डिप्लीशन रीजन फॉर्म्स, इट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। अभी ये कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, क्या होंगे, थोड़े चार्ज इधर जाएंगे, थोड़े चार्ज इधर आएंगे एंड वो रुक जाएगा, कैपेसिटर ऐसे ही दिखता है। ओके, एज कैपेसिटर इफ वी अप्लाई फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दैट इज CJ चार्जिंग करंट फॉर्म्स इनटू कैपेसिटर। CJ क्या है, ये जो चार्जिंग करंट जो फ्लोज होता है, फॉर्म नहीं बट फ्लोज फ्रॉम फ्लोज इनटू कैपेसिटर है, तो SCR टर्न ऑन हो जाएगा। समझा आपको, मतलब ये क्या करेगा, एक अपना वे बना लेगा, अपना जो वे बना लेगा ये, जैसे वो क्या करेगा कि अब थोड़े से अपने चार्जेस एक्सचेंज करके, अब IC क्या होगा, DQ/DT, ये चार्जिंग करंट जैसे मैंने बताया IC होता है, DY/DT क्या आएगा, VA इंटू CJ, VA क्या आएगा वोल्टेज अप्लाइड और CJ आएगा चार्ज करंट, जैसे पता है हमें। तो अभी हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो DU/ डिफरेंशिएट ऑफ यू इंटू वी क्या आएगा, यू आएगा यू इंटू वी और वी इंटू यू, सो हमें क्या मिलेगा, अभी ये DCJ/DT ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें डेफिनेटली DU/DT चाहिए, तो DU/DT ले लेना। इसका रीजन वो नहीं, बट मैंने इस तरह से याद किया, सो आप भी उस तरह से याद कर सकते हो। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अभी हमने टर्न ऑन करने के मेथड जाने, अगर इसमें अगर मैं बोलूँ टर्न ऑफ करने के मेथड रहेंगे तो टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि जब होल्डिंग करंट के नीचे अब तक जाएगा नहीं SCR, तब तक वो बंद तो होने वाला है नहीं, सो SCR रिमेंस इन ऑन स्टेट इवन आफ्टर द गेट करंट इज रिमूव्ड। अगर हमने जैसे गेट करंट निकाल भी दिया तो भी SCR तो टर्न ऑन रहेगा ही, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर ऑफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एनोड करंट है जो भी हम एनोड करंट इधर से दे रहे हैं, जो पॉजिटिव एनोड करंट दे रहे हैं हम, इसको हम क्या कर देंगे, रेड्यूस टू जीरो कर देंगे, दैट इज बिलो होल्डिंग करंट, तो बंद हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, हम एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, अभी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देंगे, सो क्या करेगा वो रिवर्स हो जाएगा, तो उधर से करंट फ्लो होएगा नहीं, तो उसको हम किधर तक लेके जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट तक।
राइट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट आपको पता है, एससीआर में नहीं पता होगा तो आप एससीआर का वीडियो देख लो। फिर क्या है, टू रिवर्स द गेट करंट, अभी गेट करंट पॉजिटिव था इसकी वजह से इधर कंडक्ट हो रहा था, राइट, आपको ऐसे पता है पिछले केस में था डीवीडीटी में करंट हो रहा था, अगर हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये इधर जो कैपेसिटर की तरह जो एक्ट करेगा इधर से चार्ज जाएगा ही नहीं, तो ये होगा नहीं। अब इसमें टर्म आता है कम्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ एससीआर इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। ओके, तो ये एक प्रोसेस है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा टर्न ऑफ एससीआर में। आपको इसको एक्सपांड करना है तो आप लिख सकते हो कि इसमें J1 और J3 फॉरवर्ड बायस है, J2 रिवर्स बायस है, एंड वो सब आप थोड़ा सा उसको आप मिर्च मसाला लगाओगे तो वो आपका आंसर एक अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सो इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू AD क्लासेस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।